अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ चिकन जर्सी कढ़ाई की, और ये डेडिकेट करूँगी मैं अपनी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर को। थैंक यू मिस राना फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट एज़ यू प्लेड अ वैल्यूएबल रोल इन माई जर्नी। दिस रेसिपी इज़ प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली ऑन योर रिक्वेस्ट। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। वैसे तो पेशावर में जो जर्सी कढ़ाई बनती है वो दुम्बे के फैट में बनती है, तो फैट तो अवेलेबल नहीं है, तो हम घी में बनाने की कोशिश करते हैं। कुकिंग ऑयल की बजाय हम घी यूज़ करेंगे, और घी मैं डाल रही हूँ 1 kg। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और घी मेल्ट होना शुरू हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद कुछ टाइम लगेगा इसको गोल्डन होने में, ये पहले पानी छोड़ेगा और उसके बाद गोल्डन होना शुरू होगा, तो इसको जल्दी नहीं करना वरना आपका वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको आपने गोल्डन होने देना है, और स्पाइसेस जो हैं इसमें सिवाय सॉल्ट के ड्राई स्पाइसेस कुछ भी नहीं जाएंगे, कोई स्पाइस हमें ऐड नहीं करना, सिर्फ सॉल्ट जाएगा, नो काली मिर्च, नो गरम मसाला, कुछ भी नहीं। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू होगा तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अच्छा, परेशान नहीं होना है आपने कि ये इतना जो घी है वो खाने में जा रहा है। ये जैसे ही चिकन फ्राई होगा ये एक्सेस जो घी है इसे हम अलग कर लेंगे, लेकिन पकाना इसे ज़्यादा घी में ही है तभी आपको इसका टेस्ट आएगा। ये मैं डाल रही हूँ सॉल्ट 1 tablespoon, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और चिकन हमारा कुछ होना शुरू हो चुका है, तो बाकी चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ, ये हरी मिर्च और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें सबसे पहले जो है टमाटर ऐड करूँगी मैं इन चिकन के साथ ही। आप 1 kg अगर चिकन बना रहे हैं, 1 kg चिकन है, तो 6 से 7 अदरक टमाटर डाल लें। मेरा चिकन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं टमाटर भी ज़्यादा ऐड करूँगी। 1 kg के लिए 6 to 7 टमाटोज मीडियम साइज़ के इनफ होंगे, बस इन्हें भी साथ हम ऑयल में होने देंगे फ्राई। और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे कुक होने देंगे। ये देखिए, ये चिकन इस तरह का गोल्डन होना चाहिए, हमारा चिकन गोल्डन हो चुका है। तो अब हम एक्सेस जो घी था, एक्स्ट्रा घी जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसे हम निकाल लेंगे साइड पे, और सिर्फ उतना सा रहने देंगे जितना हमें कढ़ाई में चाहिए, बस उतना सा रहने देंगे कढ़ाई के अंदर। और अब इसे हम टमाटर जो हैं मैश करना शुरू करेंगे, साथ साथ हम जो पील ऑफ कर लेंगे, ये छिलके अलग हो रहे हैं, ईज़िली ये अलग हो जाएंगे। इसे आप फोक से निकाल के साइड पे करते रहें, और साथ साथ जो है वो टमाटर अब मैश करें अच्छे से चम्मच की मदद से। और जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैं साथ साथ छिलके जो हैं वो निकालते जा रही हूँ और साथ साथ मैश करती जा रही हूँ। साथ साथ आपको मैश करते जाना है टमाटरों को, और ये इजीली हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं ये। जैसे ही टमाटर मैश होंगे हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें उसे 3 से 4 मिनट कुक करना है,
और उसके बाद एंड पे हमें ग्रीन चिली ऐड करनी है। ये मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक, और कुक कर लूँगी इसे 3 से 4 मिनट। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, ये लहसुन अदरक पक चुका है इसके अंदर, तो बस ग्रीन चिली ऐड किया और 2 से 3 मिनट इसे हम कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी चिकन चर्सी कढ़ाई जो है वो रेडी है, और अब मैं इसे अदरक से गार्निश कर लूँगी।